हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MM विद्यापीठ में। हम लोग कल पिछले क्लास में निर्देशांक ज्यामिति का सारा थ्योरिटिकल पार्ट कर चुके थे। आज हम लोग उसका NCERT का सॉल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 3.1 देख चुके थे, 3.2 देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, कार्तिकीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा का क्या नाम है। पिछले क्लास में हम लोग थ्योरी में चर्चा किए थे कि जो खड़ा रेखा होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, और जो पड़ा रेखा होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्षैतिज। ये होता है हमारा ऊर्ध्वाधर, और जो पड़ा रेखा होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्षैतिज। ये रेखा हमारा कहलाता था क्षैतिज। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कार्तिकीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं का नाम। तो जो क्षैतिज है उसको हम लोग क्या मानते हैं, एक्स अक्ष, और जो ऊर्ध्वाधर है उसको हम लोग बोलते हैं वाई अक्ष। क्लियर है? तो एक का आंसर हो गया, ऊर्ध्वाधर को वाई अक्ष और क्षैतिज को एक्स अक्ष। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, इन दोनों रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। इन दोनों रेखाओं की मदद से, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं एक का दूसरा। इन दोनों रेखाओं की मदद से बने टोटल कितना चार था हमारे पास, तल चार तल था। हम लोग पिछले क्लास में थ्योरी वाला क्लास में इसको हम लोग देख चुके थे। तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। इसको क्या बोलते थे, द्वितीय चतुर्थांश। इसको तृतीय चतुर्थांश। इसको चतुर्थ चतुर्थांश। किसी को कोई दिक्कत है? आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, एक का तीसरा नंबर क्वेश्चन, उस बिंदु का नाम बताइए जहां पे ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। जहां पे ये दोनों रेखा हमारा x अक्ष और y अक्ष दोनों प्रतिच्छेद करती थी, उस बिंदु को हम लोग क्या कहते थे, जहां पे दोनों 90 डिग्री से प्रतिच्छेद करना था, दोनों के बीच का एंगल होता था 90 डिग्री, और जहां पे ये दोनों प्रतिच्छेद करता था उसको हम लोग क्या बोलते थे, मूल बिंदु। इसको बोलते थे हम लोग मूल बिंदु, जिसको हम लोग डिनोट करते थे O से, ओरिजिन भी कहते हैं इसको, और ये हमारा इसका निर्देशांक होता था वैसे 0.0। यहां तक ठीक है? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन नंबर दो, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर दो। पहला क्वेश्चन आप लोग को सामने फिगर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर दो का ये फिगर है। अब इस आकृति के माध्यम से हमको क्वेश्चन के जवाब देने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है बी का निर्देशांक, बी का निर्देशांक। तो बी कहां है देखते हैं हम लोग, बी हमारा यहां पे, क्वेश्चन नंबर दो का एक का आंसर, बी का निर्देशांक। तो पहले हम लोग एक्स लिखते हैं फिर लिखते हैं वाई, पहले एक्स फिर वाई। तो एक्स, एक्स किसको बोलते थे, वाई अक्ष तथा बिंदु के बीच के दूरी को हम लोग बोलते थे एक्स निर्देशांक, यानी एक्स हमारा कितना हो गया -5, कोमा वाई, वाई किसको बोलते थे, बिंदु तथा एक्स अक्ष का निर्देशांक बीच की दूरी। तो एक्स अक्ष और वाई बिंदु के बीच का दूरी कितना है, 2 यूनिट। तो इसको बोलेंगे इसका निर्देशांक हो गया -5.2। कोई दिक्कत है? सिर्फ छोटा सा थ्योरी में ध्यान रखना था कि पहले एक्स फिर वाई, और थ्योरिटिकल पार्ट में भी सबका पूरा डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। और जो वीडियो नहीं देखे हैं वो पहले एक बार वो वीडियो देख लें, फिर इसको देखें तो समझ में आएगा। सेकंड क्वेश्चन, सी का निर्देशांक, सी का निर्देशांक, सी हमारा यहां पे है। तो पहले एक्स फिर वाई, तो एक्स किसको कहते हैं, बिंदु तथा वाई एक्स के बीच की दूरी। तो कितना हो गया ये हमारा, 5, यानी 5। फिर वाई चाहिए, तो वाई हम किसको कहते हैं, बिंदु तथा एक्स अक्ष के बीच की दूरी। तो वाई कितना है हमारा, -5, यानी सी का कोऑर्डिनेट हो गया हमारा, सी का निर्देशांक 5, -5। अगला नंबर है क्वेश्चन नंबर तीन, क्वेश्चन नंबर तीन क्या कह रहा है, -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, -3, -5। तो किसका निर्देशांक है -3, -5, हमको पता करना है। तो देखते हैं, हम लोग पहले एक्स में चलेंगे तो -3 यहां पे आ गए, फिर -5 यहां पे चले गए। ये कौन सा बिंदु है, ई। तो ये किसका कोऑर्डिनेट हो गया निर्देशांक, ई का निर्देशांक हो गया, ये बिंदु ई का निर्देशांक है, ई का निर्देशांक है। अगर आप लोग को लाइटिंग का समस्या है या बोर्ड में जो लिखते हैं कुछ फॉन्ट साइज बड़ा छोटा करना है, तो आप लोग उसमें कमेंट में बताइएगा, अगले बार से हम उसका ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, 2, -4, 2, -4 कहां है, 2, -4, यानी एक्स में पहले 2 चलना है, तो 2 चल दिए यहां, वाई में तो नहीं जाना है, पहला हमारा एक्स में चलना होता है, इसलिए ये 2 पे नहीं जाना है, ये 2 हो गया, फिर -4, ये हो गया हमारा -4। तो कहां पहुंच गए हम लोग, जी पे। तो ये सेकंड आंसर हो गया हमारा, किसका निर्देशांक हो जाएगा, ये हमारा जी का निर्देशांक।
क्लियर है। अगला क्वेश्चन है हमारा डी का भुज, यानी क्वेश्चन नंबर 5 डी का भुज पूछ रहा है। भुज का मतलब एक्स निर्देशांक, और एक्स निर्देशांक किसको कहते हैं, वाई एक्स तथा बिंदु के बीच की दूरी को एक्स निर्देशांक। तो डी का भुज क्या हो गया 6, डी का भुज हो गया हमारा 6। भुज को ही एक्स निर्देशांक कहते हैं और कोटि को वाई निर्देशांक। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, बिंदु एच का कोटि, एच का कोटि, बिंदु एच कहां है पहले देखते हैं हम लोग, एच, एच का कोटि चाहिए, कोटि मतलब वाई निर्देशांक। तो वाई निर्देशांक किसको कहते हैं, बिंदु तथा एक्स अक्ष के बीच की दूरी। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, वाई निर्देशांक माइनस 3 इकाई नीचे आया है, तो यानी एच का कोटि क्या हो जाएगा माइनस 3। अगला क्वेश्चन है बिंदु एल का निर्देशांक, निर्देशांक मतलब भुज और कोटि दोनों बताना है, यानी एक्स निर्देशांक भी और वाई निर्देशांक भी। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा क्या कह रहा है कि बिंदु एल का निर्देशांक, तो एल कहां है पहले उसको हम लोग देखते हैं, बिंदु एल कहां पे है क्वेश्चन में, बिंदु एल, एल हमारा यहां पे नोट किया हुआ है एल, तो एल का निर्देशांक, तो एक्स में कितना चले हैं, कुछ भी नहीं, सिर्फ वाई में गए, तो एल का निर्देशांक एक्स कॉमा वाई लिखेंगे, यानी क्या हो जाएगा पहला 0, और वाई में कहां चले गए 5 यूनिट प्लस में, यानी क्या लिखेंगे हम लोग 5, यानी 0.5। अब अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु एम का निर्देशांक, यानी एम का कोऑर्डिनेट बताना है, तो एम कहां पे है पहले उसको हम लोग देखते हैं, एम है हमारा यहां पे, तो एम यहां है, तो एक्स में पहले चलते हैं फिर वाई में, तो एक्स में कितना दूर आ गए हम लोग माइनस 3, एक्स में कितना दूर आ गए माइनस 3, और फिर वाई का निर्देशांक, तो एम हमारा एक्स अक्ष पे स्थित है, y में कहीं नहीं जाना है, तो y का निर्देशांक क्या हो गया 0, तो इसका आंसर हो गया हमारा माइनस 3.0। ये एक्सरसाइज 3.2 हमारा खत्म होता है। अब देखते हैं हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 3.3 का सॉल्यूशन हम लोग। यहां तक मेरे हिसाब से सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर किसी को डाउट है तो आप हमको कमेंट में करके बताइए, फिर हम दोबारा उसका एक बार चर्चा करेंगे। और अगर आप लोग को ये वीडियो समझ में आ रहा है तो आप हम लोग को लाइक करके बताइए, ताकि हम इसके लिए आप लोग को और अच्छे से अच्छे वीडियो लेके हम आपके लिए आ सकें। थैंक यू।